ओम शांति। आज 4 फरवरी 2022 की साकार मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने नारद का मिसाल बताते हुए कहा कि अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लक्ष्मी व नारायण को वरने के लायक बने हैं, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। फिर बाबा ने सावधानी के लिए कहा कि मन में उल्टे सुलटे संकल्प तो बहुत आएंगे, लेकिन उसको कर्म में नहीं आने देना है। आज बाबा ने शिव बाबा निरहंकारी हैं उसका प्रमाण देते हुए कहा कि संगम युग की बड़ी न्यारी रस्म रिवाज हैं। दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं और यहाँ संगम युग पर बाबा खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े हुए। तुम बहुत सिकिल अधे बच्चे हो, इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम थक गए हो। तो बाबा थकान मिटाते हैं उसका गायन भी है, द्रौपदी के पांव दबाए, वंदे मातरम। आज बाबा ने चैरिटी बिगेंस एट होम की बड़ी निराली बात बताई कि शिव बाबा पहले इस साकार ब्रह्मा बाबा को समझाते हैं, क्योंकि शिव बाबा का यह ब्रह्मा बाबा चैतन्य होम है। पहले पहले यह सीखते हैं, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबर वार सीखते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। तो सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। आज मुरली का प्रश्न है, बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी? तो बाबा कहे, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। दूसरा बाबा कहे, मैं निरहंकारी निराकारी बाप हूँ, तो ज़रूर मैं पहले नमस्ते करूँगा। यह भी संगम की न्यारी रस्म है। आज धारणा के लिए सार हैं, पहला, देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता है तो बड़ों तरफ रेफर करना है, अर्थात बड़ों के पास भेजना है, आबरू नहीं गवानी है। दूसरा, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले परिवार का कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। तो बाबा कहे, कईयों को मोटे रूप से देह के आकार से लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष हैं, गुण विशेष हैं, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष हैं, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, यह सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा, इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। आज बाबा ने हम सभी को एक एक को याद करते हुए याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, माताओं को वंदे मातरम, बच्चों को याद प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रहा है, नया युग आ रहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।